रबाब के पास ये एक से एक चीजें, मसला ही हो गया हमारी गाड़ी वाला इनके घर पे भूल गया, हमारी गलती है। लेकिन मैंने कहा रबाब से जो तो चीजें इस्तेमाल करती हूँ वो प्लीज नहीं, मैं बिल्कुल बताती हूँ, जो भी हाँ। जो लेकर आई हूँ वो भी बताती हूँ हाँ। बट ये कि अभी आपने मुझे बोला था कि हम लोग घर में दावत है तो कैसे तैयार हाँ। होते हैं, इसलिए मैं वो हैवी मेकअप हमारा डिफरेंट होता है हाँ। जो घर का मेकअप होता है नॉर्मल करते हैं तो वो मेकअप अलग होता है बिल्कुल। और आप शादी में जल्दी और आपने जल्दी तैयार होना है, मतलब आपको 10 मिनट में तैयार होना है हाँ। तो 10 मिनट में तैयार होने की, जैसे मैं अभी तैयार बैठी हूँ तो हाँ। मैंने अभी कोई इतना कोई गोल्डन शेड नहीं लगाया, कोई मैंने आई मेकअप हैवी नहीं किया, मैंने कंटूर का शेड लिया है और मैंने निदा इसी से ये ब्राउन कलर शेड देख रही हूँ हाँ। तो ज्यादातर कंटूरिंग का सबके पास पैलेट हाँ। यही होता है, शीशे में से ये वाला पैलेट ज्यादातर लोग यही कंटूरिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें 2 शेड्स होते हैं, ये बेस्ट होते हैं कंटूरिंग के लिए। तो मैं ज्यादातर कॉर्नर्स बनाने के लिए यही कलर यूज करती हूँ, अच्छा ठीक है अच्छा। ना मैंने यही कलर लिया और मैंने इसी से कॉर्नर्स बनाए और इसी को मैंने ब्लेंड कर दिया और अंदर अंदर हाँ। अंदर जो मैंने कोई भी लाइट सा शेड आप लगा लें, जैसे ये सफूरा का है ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिया और हल्का सा शेड, ये शिमर हाँ। के एज अ शिमर भी यूज कर लेते हैं, एज अ शेड भी यूज कर लेते हैं, मेरी सारी किट्स नहीं आई बेसिकली हाईलाइट हाँ, ये अर्बन डिके का है ठीक है ना, ये देख रही हो तुम, कोई भी अंदर शेड आप लाइट सा डार्क करना चाहते हैं डार्क, लाइट करना चाहते हैं लाइट, मैंने बहुत लाइट किया है, मैंने बिल्कुल लाइट पिंक सा कलर अभी यूज किया है और ये अंदर लगा के मैंने और कॉर्नर सिर्फ बना दिए। एप्लीकेशन बताओ कैसे करती हो जरा, मैंने देखो ये जिस तरह ये शेड लिया ठीक है और ये देखिए ओके हाँ, कितना अच्छा फिनेस लुक आ गया, कलर बहुत अच्छा है, अच्छा इस तरह तुमने पहले 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 ये लगाया, पहले तुमने वो पहले ये कलर और फिर मैं हाँ फिर मैंने कॉर्नर्स बनाए, ये देखो मैं एक कॉर्नर वापस से बना देती हूँ, ये थोड़ा डार्क हो गया क्योंकि मैंने और लगा लिया है, मगर ये अच्छा लग रहा है कि अगर आपने थोड़ा सा इसको डार्क करना है तो ये इनहेंस हो गया ना, बट मैं घर में इतना ज्यादा डार्क मेकअप नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट करती हूँ, लाइनर भी तुमने जो लगाया है वो ब्लेंड कर दिया है मैंने, बिल्कुल हल्का सा पतला लगा के ब्रश से उसको ब्लेंड कर दिया। तुम कौन सा समझती हो जो बेहतर है? यार मुझे तो बेस्ट लगता है उसका एक्रिलॉन का, मुझे भी बेस्ट लगता है क्योंकि ना वो उतरता है ना वो फैलता है ना कुछ करता है, वो स्टे करता है हाँ। सबसे बेस्ट वो है, पानी मिलाओ या हाँ, शेड के साथ भी लगा लो हाँ, बिल्कुल सबसे बेस्ट। अब ये देखो इस आंख पे और मेरी इस आंख में कितना फर्क हाँ, है, उठी उठी लग रही ये उठी उठी लग रही है, ये थोड़ी सी बैठी हुई बिकॉज ये मैंने नेचुरल थोड़ा सा किया है, ये मैंने थोड़ा सा इसको डार्क करके तुम्हें दिखाया ठीक है। और फिर आईब्रोज के लिए क्या करती हो? रिमल की मैं पेंसिल यूज करती हूँ, पेंसिल यूज कर सकती हूँ, अच्छा रिमल की मैं ये पेंसिल यूज करती हूँ और इसी का ये ब्रश है और ये मैं इसी से लगा इसी से लगा ब्लेंड कर ब्लेंड कर देती हूँ। आईब्रोज भी तुम छोटी रखती हो ना, मतलब लाइक पतली हाँ। रखती हो, ज्यादा मोटी नहीं रखती? नहीं ज्यादा मोटी हाँ। नहीं रखती, कभी मोटी भी रखती, फीचर्स नाजुक तो वो बहुत ज्यादा, आईब्रोज अगर चौड़ी रखूंगी तो बहुत ज्यादा बहुत बुरी लगेंगी, नाक खड़ी है तो बिल्कुल। और फिर क्या कहते हैं ये ब्लश ऑन मैक का पिंक हाँ, क्योंकि ये आपको ग्लो देता है हाँ, ये आपको ग्लो देता है क्योंकि आप लगता है कि पिंक पिंक से। तुम किस तरह लगाती हो ब्लश ऑन? तुम्हारी टेक्निक क्या लगाती? मैं तो देखो या तो मैं ब्रश से तुम्हें एक तरफ मैं ये लगा के दिखाती हूँ, एक तरफ जो मैं रेगुलर जो मेकअप करती हूँ, जो मैं तुम्हें जीरो मेकअप बताया था ये किया, अच्छा जो तुम ऐसे फिंगर से ये फिंगर से ये नॉर्मल वाला मेकअप है मेरा ठीक है ठीक है ना, घर ये घर का मेकअप है अच्छा जी। और अगर वगैरह के लिए या और अगर मैं टीवी वगैरह के लिए मेकअप करूंगी तो मैं काफी सारी हमें चीजें मिक्स करनी पड़ती हैं, सॉरी गिरे नहीं हाँ अच्छा सॉरी वाला ब्रश हाँ। अच्छा तुम ये इस तरह लगाती हो क्योंकि तुम्हारा फेस छोटा सा है और बोनी फेस है, इसलिए तुम अपना ब्रश ऑन ये ऊपर की तरह इस तरह लगाती हूँ। अब आप देखिए हर फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिजा ने ब्लश ऑन लगाया इधर चीक्स पे, उसका अलग कट है फेस का क्योंकि उसके यहाँ पे चीक्स हैं ठीक है ना, उसके यहाँ पे चीक्स हैं तो मेरा थोड़ा सा फ्लैट है तो फिर ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ, अच्छा मैं यहाँ नहीं लगाती खाली हाँ। अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो बहुत बुरा लगेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे उभरे हुए चीक्स नहीं है हाँ। तो मुझे ब्लेंड करना पड़ता है, मैं भी जैसे लगाती हूँ ब्लश ऑन फिजा की तरह ही लगाती हूँ, मेरे भी कान हाँ तो मेरे नहीं है ना, तो मुझे यहाँ लेके जाके फिर ब्लेंड करना पड़ता है कि वो एक जैसा लगे ठीक है। और जो मैं ये फिंगर से लगाती हूँ बस मैं यहाँ यहाँ लगा के इसी को यही ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर मैं कंटूरिंग भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, अच्छा घर में दावत होती है मैं कुछ नहीं करती, अच्छा बस नॉर्मल जल्द आपने हल्का सा ब्लश करा हाँ। हल्का सा इसको आई को किया, लिपस्टिक लगाई और आउट आउट सही, मतलब आप घर में तो इतना मेकअप नहीं करते ना।